हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर एस के मिश्रा। अभी गवर्नमेंट ने BMS डॉक्टर्स के लिए जो उनके बेसिक इंटर्नशिप के दौरान जो उन्हें पेमेंट होता था जो कि 7500 रुपीज थे, उनको बढ़ा के 12000 रुपीज किया है। निश्चित तौर पे काफ़ी सराहनीय कदम है और आयुर्वेद स्कॉलर्स के सभी आयुर्वेद स्कॉलर्स को उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पे इस कार्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए। काफ़ी दिनों से हमारे आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा जो कि इंटर्न डॉक्टर्स थे उनके द्वारा इस उचित मांग को किया जाता था कि BMS के डॉक्टर्स को भी समकालीन एलोपैथिक डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स के बराबर 12000 इंटर्न का शुल्क जो है जो कि उनका पेमेंट बेसिक पेमेंट था वो 12000 रुपये किया जाए। और इस उचित मांग को देखते हुए हमारे आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश ने और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरफ सराहनीय कदम उठाते हुए इस मांग को न्यायोचित तरीके से क्रियान्वित किया है जो कि निश्चित तौर पे काफ़ी काबिले तारीफ है। और सभी उत्तर प्रदेश के सभी आयुर्वेद के स्नातक छात्र जो कि इंटर्न डॉक्टर्स हैं सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक धन्यवाद। लेकिन मित्रों, एक बिंदु जो कि इस वीडियो के माध्यम से संवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो कि हमारे निजी क्षेत्र के इंटर्न डॉक्टर्स हैं BMS डॉक्टर्स हैं जो कि निजी महाविद्यालयों से इनरोल्ड हैं उत्तर प्रदेश में, चूँकि अबाउट 96 आयुर्वेदिक कॉलेजेज हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आज वर्तमान में कार्यरत हैं, रन कर रहे हैं, और उनके इंटर्नशिप के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई योजना नहीं है और वो इंटर्नशिप के दौरान किसी प्रकार का कोई पेमेंट उनको सरकार के द्वारा या महाविद्यालय के द्वारा नहीं दिया जाता है और इसका कोई संवैधानिक नियम भी अभी तक नहीं है। इसकी मांग उत्तर प्रदेश के समस्त जो कि आयुर्वेद के स्कॉलर्स हैं जो कि इंटर्नशिप में हैं या इंटर्नशिप में करने जा रहे हैं या भविष्य में करेंगे, सभी को न्यायोचित और संवैधानिक तरीके से इसकी मांग करनी चाहिए कि क्योंकि जो निजी क्षेत्र के इनरोल्ड छात्र होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो भी इंटर्नशिप जो है वो आयुर्वेदिक कॉलेज में समकालीन जो है वो 8 घंटे की और एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में भी 8 घंटे की सेवा देते हैं, परंतु जो उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इस इंटर्नशिप के दौरान नॉट पेबेबल, आपको किसी प्रकार का पेमेंट नहीं दिया जाएगा, जबकि वो समकालीन सेवा जो है और उचित ढंग से सेवा देते हैं। तो इस मांग को विभिन्न माध्यमों से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि BMS के इंटर्न के छात्र हैं, इंटर्न डॉक्टर्स हैं और जो इंटर्न करने जा रहे हैं या आगे करेंगे, आप सभी जो हैं विभिन्न माध्यमों से सोशल मीडिया, इंटरनेट, ट्विटर या डाक विभाग के माध्यम से, आप मेल के माध्यम से आप गवर्नमेंट को, विशेष करके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, आयुष निदेशक और आयुर्वेद सेवाएं, आयुष मंत्रालय उत्तर प्रदेश और सचिव, निजी सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश को निश्चित तौर पे आप मेल के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से, डाक विभाग के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाएं जो कि निश्चित तौर पे एक सराहनीय कदम होगा और आयुर्वेद के छात्रों के लिए बेहतर और हितकर कदम होगा। मित्रों, यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि जो कि एलोपैथिक जो कि MBBS के छात्र हैं और वो प्राइवेट कॉलेज से MBBS कर रहे हैं, जब वो इंटर्नशिप में निजी क्षेत्र, निजी कॉलेजेज में सेवा देते हैं तो उनके लिए निजी क्षेत्र में इंटर्नशिप के दौरान पेमेंट की व्यवस्था है, परंतु BMS के छात्र जो कि आयुर्वेद के छात्र हैं और वो इंटर्नशिप के दौरान उनके पेमेंट की कोई योजना नहीं है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा महाविद्यालयों को कोई दिशा निर्देश है कि उन्हें किसी प्रकार का पेमेंट होना चाहिए। तो ये तमाम विषयों पर निश्चित तौर पे गवर्नमेंट को का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसके लिए सभी आयुर्वेद के छात्र जो कि उत्तर प्रदेश में BMS कर रहे हैं या इंटर्नशिप करने जा रहे हैं या इंटर्नशिप करेंगे, कर रहे हैं, विभिन्न छात्रों को इस न्यायोचित मांग को उठाना चाहिए क्योंकि ये सभी के लिए हितकर कदम है। मित्रों, कभी कभी सुनने में ये भी आता है कि विभिन्न प्रकार के नियम हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन महाविद्यालयों के द्वारा क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, तो इन तमाम बिंदुओं को भी आप उसमें अंकित करें कि क्या नियम हैं, किस प्रकार के
आयोजन जो है वो महाविद्यालयों के इंटर्नशिप के दौरान महाविद्यालयों के नियम हैं, इन प्रकार इस तमाम प्रकार के विषयों को गवर्नमेंट को निश्चित तौर पे मुख्य पटल पे लाना चाहिए, जिससे कि आयुर्वेद का दिशा और आयुर्वेद की दशा दोनों में सुधार होगा और जो आयुर्वेद के छात्र हैं वो भी पूरे मनोयोग से अपना इंटर्नशिप जो है वो करेंगे, जिससे आयुर्वेद का भी विकास होगा और आयुर्वेद डॉक्टर्स के स्किल्स का भी डेवलपमेंट होगा। निश्चित तौर पे इस छोटा सा विषय था जो आपसे संवाद करने के लिए इस छोटे से शीर्षक के माध्यम से इस चैनल पे अपने चैनल पे उपस्थित हुआ हूँ। थैंक यू सो मच।